हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज जीके। तो आपकी जो प्रीवियस क्लास में जो जीके बुक थी क्लास एट क्लास में, उन्हीं बच्चों की आप बुक खरीद लें, ठीक है। और नई बुक लेने की जरूरत नहीं है, बुक्स वही रहेगी आपकी, न्यू बुक अभी चेंज नहीं हुई है। तो जीके का फर्स्ट चैप्टर हमारा आवर कंट्री, यूनिट फर्स्ट आवर कंट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे आज राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो आपको पता है राष्ट्रपति भवन कौन बिल्ड करता है? राष्ट्रपति भवन और द प्रेसिडेंट हाउस इज द बिल्डिंग वेयर द हाउस होनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री लाइव्स, जहाँ के जहाँ पे हमारे क्या रहते हैं प्रेसिडेंट बैठते हैं। तो प्रेसिडेंट इस समय करंट में कौन है? रामनाथ कोविंद। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट? फेमस ब्रिटिश आर्किटेक्ट कौन था? हु डिजाइन द प्रेसिडेंट हाउस, जिसने प्रेसिडेंट हाउस बनाया? तो पहली बार कौन था? नाम है एडविन लुटियंस। क्या नाम है? एडविन लुटियंस। सेकेंड देखिए, व्हेन डिड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस बिगन? प्रेसिडेंट हाउस बिगन कब स्टार्ट हुआ बनना? 1912 AD। नेक्स्ट देखिए, इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज द बिल्डिंग कम्प्लीट? ये बन के कब तैयार हुआ प्रेसिडेंट हाउस? 17 ईयर्स, 17 साल लगे प्रेसिडेंट हाउस को बनने में। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू ऑक्यूपाई द प्रेसिडेंट हाउस? तो पहले भारत का कौन ऐसे व्यक्ति जिसे प्रेसिडेंट हाउस को ऑक्यूपाई किया? क्या नाम था? श्री राजा गोपालाचारी, याद कर लीजिए, श्री राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट देखिए, फॉर हुम वॉज द प्रेसिडेंट हाउस ओरिजिनली बिल्ट? तो प्रेसिडेंट हाउस को ओरिजिनली किसने बनाया था? वायसराय ऑफ इंडिया। किसने बनाया था? वायसराय ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखिए, नेम द गार्डन विच इज सिचुएटेड विद इन द प्रेसिडेंट? वह गार्डन का नाम बताओ जहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस बनाया गया था। एंड हिज ओपन फॉर पब्लिक इन फरवरी एवरी ईयर। तो फरवरी के ईयर के फरवरी मंथ में ये क्या मनाया जाता है? ओपन किया जाता है। तो कौन सा है? क्या नाम है उसका? कहाँ गार्डन का? मुगल गार्डन। क्या नाम है? मुगल गार्डन। नेक्स्ट देखिए, द हग डम लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप ऑफ प्रेसिडेंट हाउस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच एंशियंट इंडियन मोनूमेंट? तो नाम क्या है इसका? संची स्तूपा। एक ऐसा आपका क्या था? ये एंशियंट इंडियन मोनूमेंट था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी रूम्स आर दियर इन द प्रेसिडेंट हाउस? तो प्रेसिडेंट हाउस में टोटल कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। नेक्स्ट, वाई वार्ड नेम वॉज द राष्ट्रपति भवन नोन एज पिलर टू इंडियन इंडिपेंडेंस? तो हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था स्वतंत्रता संग्राम में, तो क्या नाम था इसका? वायसराय हाउस। तो क्या नाम रखा था? वायसराय हाउस नाम रख दिया गया था। ऑन द टॉप ऑफ विच हिल इन द प्रेसिडेंट हाउस सिचुएटेड? सबसे ऊपर कहाँ पर रखा? किस पहाड़ के ऊपर प्रेसिडेंट हाउस है? नाम है रैसीना हिल्स। क्या नाम है? रैसीना हिल्स। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है? बुक में ही आपको फिल करना है और इसको लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नेक्स्ट है हमारे पास, चैप्टर सेकंड में क्या है हमारा नाम? फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। तो भारत में फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन है, उसके नाम है? तो पहले, ही वाज एन इंडियन फिलोसोफर। वे इंडियन फिलोसोफर कौन था? हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवेटा वेदांता, जिसने एडवेटा वेदांता को डॉक्ट्रिन की डिग्री हासिल की थी। ही फाउंडेड फोर मदास टू गाइड द हिंदू रिलीजन। तो नाम क्या है? शंकराचार्य। क्या नाम था? शंकराचार्य। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न। ये ऐसे पहले नवरत्न्स थे, ठीक है, एंड रेवेन्यू मिनिस्टर थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के समय एक ऐसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर थे। फेमस फॉर रिफॉर्म्स इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस थे। तो नाम क्या है इनका? टोडारमल। क्या नाम है? टोडारमल। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के कानून मंत्री थे 1947 to 1951, जो कब तक थे? 1947 से 1951 की डेट में थे। लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो SC के लिए थे, एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। विच ड्राफ्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ड्राफ्टिंग की थी? क्या नाम है इनका? भीमराव अंबेडकर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, यही पता आपको? 26 जनवरी 1950 में, सबसे पहले 26 जनवरी 1949 में ये बन गया था, और उसके बाद हमारा जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनके कौन सा भाग के कौन कॉन्स्टिट्यूशन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द मुस्लिम किंग हु रिजाइन ओवर इंडिया। मुस्लिम किंग ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन किया था पूरे भारत में ड्यूरिंग 1540
एंड 1545 ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग, ये पहले मुस्लिम किंग थे, राजा हुआ करते थे, हु पेड स्पेशल अटेंशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स, ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट। तो ऐसा भी आता है पेपर में, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, नाम क्या है, शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ऐसे थे जो मुस्लिम राजा जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ट, ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ ग्रेट हिंदू संत, ये हिंदू ग्रेट हिंदू संत भी हुआ करते थे, एंड रिलीजियस लीडर हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था। ही वॉज द बॉर्न इन कोलकाता ऑन जनवरी 12 जनवरी 1869, ने क्या किया, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था, एंड हिज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्ता, इनका नाम ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है विवेकानंद, क्या बोला जाता है, विवेकानंद बोला जाता है, क्या बोला जाता है इनको, विवेकानंद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, इन्होंने अपनी क्या कर दिया, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था लाहौर से दिल्ली की ओर। ही इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम, इन्हें इक्तादारी सिस्टम को लागू किया, डिवीजन ऑफ एम्पायर इनटू इक्तास, विच वर एक्साइंड टू द नोबल्स एंड ऑफिशियल लीव ऑफ सैलरी, क्या नाम है इनका, इल्तुतमिश, क्या नाम है, इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द अडोप्टेड सन ऑफ राजा भगवान दास, इन्हें राजा भगवान दास को सन को अडॉप्ट किया, ही फॉट अगेंस्ट राणा प्रताप इन 1576, और राणा इनने उससे फाइट की 1576 में, एंड ही वॉन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और इन्हें हल्दी घाटी युद्ध को जीता, का नाम है इनका, वान सिंह, क्या कौन थे ये राजा, वान सिंह थे जिसने हल्दी घाटी का युद्ध को जीता। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज द पोइट सेंट फ्रॉम बरसा, क्या लिखा, वर्कारी सेक्ट ऑफ हिंदूज फ्रॉम महाराष्ट्र, हिज टीचिंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर एंड द थॉ मैरिज एंड हैविंग फैमिली वन कुड अटेन मोक्षा, तो नाम क्या, नामदेव, नामदेव। ही वॉज द थर्ड सन ऑफ शाहजहां, ये शाहजहां के तीसरे सन हुआ करते थे, बेटा थे, ही एज्यूम टाइटल आलमगीर, इन्हें आलमगीर के नाम टाइटल दिया गया, कंक्योर ऑफ द वर्ल्ड, ये संसार में, ही इज द नॉन एज यूनर्स डिकेन पॉलिसी, ये इस डिकेन पॉलिसी के लिए फेमस है, तो नाम क्या इनका, औरंगजेब। ही वॉज द मोस्ट फेमस राजा ऑफ विजयनगर किंगडम, ये राजा ऑफ विजयनगर किंगडम के बहुत फेमस इंसान हुआ करते थे, ही लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ साउथ इंडिया, क्या नाम है इनका, कृष्णदेव राय। He was the greatest Indian ruler of this time and founder of the Sikh Empire in Punjab. Name क्या है, रंजीत सिंह। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड चैप्टर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको पढ़ने जब भी जीके का वर्क सेंड करूंगा तो 5-5 चैप्टर करके सेंड किया करूंगा, तो आपको 5 चैप्टर क्या करना, लर्न करना, ठीक है। कॉपी में जहाँ जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में नोट कर सकता है, और अब बुक अवेलेबल हो तो बुक से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ऑफ संविधान, तो भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। वी इंडियंस फॉलो द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय लोग हैं जो क्या कहते हैं, भारत में बनाए गए संविधान का अनुपालन करते हैं। वेयर ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स कैन कास्ट देयर वोट, जो पर्सन 18 साल की उम्र पार कर सकते हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं, क्या मतलब, वोट डालने के काबिल हो जाते हैं, वोट डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाई दीज रिप्रेजेंटेटिव्स एंड गवर्नमेंट द नेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे क्या हम क्या करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, विच इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ आवर कंट्री, तो हमारा भारत में सुप्रीम लॉ कौन होता है, जो हमारी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, बॉडी ऑफ कंट्री, ठीक है। तो क्या नाम कौन होता है, एक विधानसभा में होता है, एक पार्लियामेंट, तो हमारा कौन बॉडी पूरा कंट्रोल करता है, सुप्रीम कोर्ट का, पार्लियामेंट, कौन करता है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स देयर आर इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के लोग पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस होता है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो कितने मेंबर्स होते हैं, 545 ये होते हैं हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में 250 होते हैं, ठीक है। लोकसभा में कितने होते हैं, 545, याद कर लीजिए कि राज्यसभा में कितने होते हैं, 250, लोकसभा में 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज आर देयर इन द इंडिया, हमारे भारत में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरेटरीज हैं, पहले स्टेट 20 कितने हुआ था, 28 हुआ करते थे और 7 इंडियन टेरेटरीज होती थी, अब क्या हो गया हमारा 29 स्टेट हो गए और उसमें क्या हो गया, 8 हमारे क्या हो गए, अब क्या रह गया, 7 हमारी यूनियन टेरेटरीज रह गई हैं। नेशनल कैपिटल टेरेटरी, तो हमारे कितना है, 28 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरेटरी, अब क्या हो गया हमारा, अब करंट में याद करोगे आप,
करंट में यहाँ हो जाए आपके 29 states, 29 states याद करोगे आप, एंड 7 union territories, ये आप चेंज कर लेना ठीक है। अब हमारा कितने हो जाएंगे यहाँ पे, पहले हमारे क्या थे 28 states थे और 6 union territories थी, अब क्या हो गए 29 state हो गए, जिसमें लद्दाख हमारा बढ़ गया है और 7 union territories हो गए ठीक है। तो 7 वाला कौन सा है, जम्मू कश्मीर हमारी क्या यूनियन टेरिटरीज में आने लगी है ठीक है। तो आपके अब टोटल कितना होगा 29 state 7 union territories। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द अपर हाउस पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मैंने अभी बताया था आपको कितने होते हैं 250 होते हैं और लोकसभा 545 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैड्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो हमारा जो मिनिस्टर होता है उसका सबसे ज्यादा हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। यूनियन टेरिटरीज मिनिस्टर कौन होते हैं हमारे, उनके हेड प्राइम मिनिस्टर। विच इज द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द जस्टिस इन आवर कंट्री, तो हमारे भारत का या हमारे देश का सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कहाँ पे है इस समय दिल्ली में, कहाँ पे है दिल्ली में। और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ यूपी कहाँ पे है हमारा, लखनऊ में ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है दिल्ली में। हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आवर डिफेंस फोर्स, तो डिफेंस फोर्स के सबसे सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है पूरा डिफेंस देखना। इस समय कौन डिफेंस मिनिस्टर हमारा, राजनाथ सिंह। द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द आवर कंट्री, तो हमारा पूरा संविधान का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर, तो कितने मेंबर्स हमारे हर साल रिटायर हो जाते हैं, हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर है हमारे 250, तो 1/3, 250 का थर्ड पार्ट हमारा क्या रिटायर हो जाता है, 1/3 क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है एवरी 2 ईयर में। हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के एक्स चेयरमैन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कौन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद हामिद हंसारी, कौन थे मोहम्मद हामिद हंसारी ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी एन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट इंडिया, तो भारत में भारत के संविधान में इलेक्ट होने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है प्रेसिडेंट की, 35 ईयर, 35 साल के होंगे तभी आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स ठीक है, और इलेक्टोरेट करने के लिए पर्सन के लिए 18 ईयर्स। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्य सभा आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स मैंने बताया नॉमिनेट होते हैं हमारे, 12, कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में नॉमिनेटेड होते हैं नेम के लिए ठीक है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाने के लिए कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, 12 ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास गवर्नर्स जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया, तो हमारे क्या जनरल गवर्नर्स कौन है और वाइसराय कौन है भारत के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, ये हमारे पहले गवर्नर थे ठीक है, जनरल ऑफ इंडिया, ये भारत के पहले गवर्नर थे, राज्यपाल ठीक है। ही वॉज द ऑफिस फ्रॉम 1774 to 1784, ये इनने 1774 से 1785 को ऑफिस में संभाला, तो क्या नाम था इनका, वेरिन हेड हॉस्टिंग्स, क्या नाम है, वेरिन हेस्टिंग्स, वेरिन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 1785 to 1786, हिज गवर्नमेंट वॉज डिनोज्ड बाई लॉर्ड कॉर्नवालिस एज द सिस्टम ऑफ द डर्टिस्ट जॉबरी, नेम है सर जॉन मैक पर्सन, सर जॉन मैक्स पर्सन। He was in the office from 1786 to 1793. He instituted numerous land revenue reforms. He also fought with Tipu Sultan. इनने टिप्पू सुल्तान के साथ लड़ाई की, क्या नाम है इनका, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1798 to 1805, ये 1798 से 1805 में ऑफिस में गए। ही डिवाइज द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, ही डिफीटेड टीपू सुल्तान, ने टीपू सुल्तान शाह को हराया 1799 में, एंड बैटल ऑफ सी सेरिंगपट्टम, क्या नाम है इनका, लॉर्ड बैल सैली, लॉर्ड बैल सैली। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इन ऑफिस ऑफ 1828 to 1835, ही डिक्लेयर्ड सती इलीगल, इन्हें सती पिथी का प्रथा, सती प्रथा को इलीगल समझा, एंड ऑल्सो सरप्राइज द प्रैक्टिस ऑफ ठग्गी, क्या नाम है इनका, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। He was in the office from 1848 to 1856. He 1848 से 1856 में ऑफिस में बैठे। He devised the policy of doctrine of the lepsy. इन्हें doctrine of lepsy की डिग्री हासिल की गई। And to annex territories in India, भारत के क्या थे
टेरेटरीज और इन इंडिया में कौन नाम है इनका, लॉर्ड डलहौजी। कौन है जी? लॉर्ड डलहौजी ऐसे थे जिसने क्या कि डॉक्टरिंग लैब सी की डिग्री हासिल की टेरेटरीज इन इंडिया में, तो भारत के यूनियन टेरेटरीज में, तो क्या हो गया हमारा लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 1856 टू 1862। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल, ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, एंड द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, भारत के पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। क्या नाम है इनका? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ही वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 1869 टू 1872। ही फाउंडेड इन द कॉलेज इन अजमेर, इन अजमेर कॉलेज को फाउंड किया, लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो। ही वॉज इन ऑफिस इन 1876 टू 1880। ही इम्पोज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड हिज आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लुटिन। ही वॉज इन द ऑफिस फ्रॉम 1880 टू 1884। ही ट्राइड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो क्या नाम है इनका? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ही वॉज द ऑफिस फ्रॉम 1884 टू 1888। ही सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन। ही वॉज इन ऑफिस फ्रॉम 1899 टू 1905। ही प्लान्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन। ही वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे इन 1947 में। ही अनाउंस दैट इंडिया वुड बी पार्टीशन, इन्होंने भारत में हिस्सा का पार्टीशन किया, भारत को बांट दिया। कौन, क्या नाम था इनका? लॉर्ड माउंटबेटन। कब हुआ था ये? भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इनका पूरा सहयोग था भारत को हिस्सेदारी करना, भारत में हिस्सेदारी करना, भारत को बांटने में। क्या नाम था इनका? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5, इंडियन सिटीज ऑफ द ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स। तो जो हमारी भारत की शहर है वो नदी के किनारे कैसे बसा है, कौन सा शहर नदी के किनारे बसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, द फॉलोइंग आर द सिटीज दैट आर लोकेटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर। बहुत सारी नदियां हैं जो हमारे शहर हैं, जो नदियों के पास बसे हुए हैं। ये हमारा पता है, भारत का मैप है, भारत का नक्शा है, इसके बारे में आप जानते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर है, इधर पाकिस्तान है, इधर उत्तरा हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद लास्ट में राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ लास्ट में से आपको जानते हैं नीचे क्या होता है, श्रीलंका होता है, ये अरब, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल होता है, इधर आपको जानते हैं आप क्या होता है। ठीक है, ये अरब की खाड़ी होती है इस साइड में। सॉरी एक मिनट, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, देखिए दोबारा, तो लखनऊ हमारे किस नदी पे बसा हुआ है हम जानते हैं अच्छी तरह से। लखनऊ कहाँ पे है? गोमती नदी पे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? गोमती नदी पे बसा हुआ है। कन्नौज किस नदी पे बसा हुआ है? गंगा नदी पे बसा हुआ है। मथुरा किस नदी पे बसा हुआ है? यमुना नदी पे बसा हुआ है। पूना, पुणे, पूना या पुणे बोल सकते हैं। पुणे कहाँ बसा हुआ है हमारा? मूला मुथा नदी पर बसा हुआ है। सूरत कहाँ बसा हुआ है? सूरत ताप्ती नदी पर बसा हुआ है। ऐसी कोटा किस नदी पर बना हुआ है? कोटा शहर किस नदी पर बना हुआ है हमारा? चंबल नदी पर बना हुआ है। कोलकाता शहर किस नदी पर बना हुआ है? ये हुगली नदी पर बना हुआ है। नंदेड, नैंडेड, क्या नाम है? नैंडेड, ये है गोदावरी नदी पर। कोटा किस नदी पर है? महानदी पर है। और रोकेला किस नदी पे बना हुआ है हमारा? ब्रह्मणी पे। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? शहर हो गए जो नदियों के पास बसे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। तो देखिए टिक द करेक्ट आंसर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना। तो बताना है ये यमुना नदी के पास कौन सा शहर हमारा क्या है, स्थित है, बना हुआ है। मदुरई बना हुआ है, पटना बना हुआ है, न्यू दिल्ली। तो हमारा पता है नई दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। तो यमुना नदी पर कौन सा शहर बना हुआ है? न्यू दिल्ली बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा। बैंक ऑफ कृष्णा कहाँ बना हुआ है? विजयवाड़ा में। कहाँ पे? विजयवाड़े पे। अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो अहमदाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, साबरमती पे। गुवाहाटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। गुवाहाटी कहाँ बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। गुरुपुरा कहाँ है? मंगलोर में। जबलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जबलपुर कहाँ बना हुआ है? नर्मदा में बना हुआ है। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। विश्वामित्री कहाँ बना हुआ है? वडोदरा में बना हुआ है। वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वाराणसी कहाँ बना हुआ है? गंगा बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, आज आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। इस 5 चैप्टर को आपको क्या करना है? पर डे 1 चैप्टर आपको लर्न करना है, और 5 चैप्टर आपको क्या करना है? 3 दिन में कंप्लीट करना है। 3 दिन या 2 दिन बाद मैं फिर आपको 5 चैप्टर सेंड करूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तो उसको फोटो भेज दूंगा। ओके, थैंक यू क्लास।